1999 में शुरू हुआ कारगिल युद्ध। भारत ने 26 जुलाई को पाकिस्तान पर फतेह पाकर विजय हासिल की। इसके बाद भारत में हर साल कारगिल दिवस मनाया जाता है। आज कारगिल दिवस है। ऐसे में आज हम आपको बॉलीवुड की कुछ शानदार फिल्में बताते हैं। सिनेमा में इस जंग के आधार पर तमाम फिल्में बनी हैं, तो चलिए जानते हैं वो कौन सी फिल्में हैं जिन्हें सबसे ज़्यादा पसंद किया गया। लक्ष्य, कारगिल युद्ध की इस जंग के बैकड्रॉप में लिखी गई फिल्म काफ़ी हद तक वास्तविक लगती है। इस फिल्म में अपने करियर को लेकर भटके हुए एक लड़के की जिंदा दास्तान बताई गई है। ये फिल्म 2004 में रिलीज हुई। इस फिल्म में ऋतिक रोशन ने मुख्य किरदार निभाया। वहीं इस फिल्म में प्रीति जिंटा, शरद कपूर, अमिताभ बच्चन, आदित्य श्रीवास्तव, ओम पुरी और बोमन ईरानी ने अहम भूमिका निभाई। एलओसी कारगिल, भारत और पाकिस्तान के कारगिल युद्ध पर लिखी गई ये फिल्म साल 2003 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म की स्टार कास्ट काफ़ी लंबी चौड़ी थी। भारतीय सेना के संघर्ष को दर्शाती इस फिल्म का निर्देशन जेपी दत्ता ने किया था। इस फिल्म में सुनील शेट्टी, सैफ अली खान, अभिषेक बच्चन, अक्षय खन्ना, अजय देवगन और संजय दत्त ने अहम किरदार निभाए थे। मौसम, मौसम फिल्म भी कारगिल युद्ध पर ही बनाई गई है। इस फिल्म में शाहिद कपूर लीड रोल में नजर आए थे। ये फिल्म साल 2011 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में भारत पाक कारगिल युद्ध पर सीन दर्शाए गए थे, जिसमें शाहिद ने एक फाइटर पायलट की भूमिका निभाई थी। आपको बता दें, फिल्म एक लव स्टोरी के इर्द गिर्द घूमती है जो 10 साल के दौरान घटी। टैंगो चार्ली, ये फिल्म साल 2005 में रिलीज हुई। इस फिल्म में अजय देवगन और बॉबी देओल स्टार किरदार में थे। साथ ही फिल्म में संजय दत्त, सुनील शेट्टी व अन्य कलाकारों ने अहम रोल प्ले किए थे। फिल्म में अजय देवगन के किरदार का नाम हवलदार मोहम्मद अली है। फिल्म में बॉबी देओल ने भारतीय बॉर्डर पर तैनात रहने वाले एक टुपर की भूमिका निभाई थी, जिसका नाम तरुण चौहान है। ये कुछ ऐसी फिल्में हैं जो कारगिल युद्ध पर बनाई गई है और इन फिल्मों को दर्शकों ने काफ़ी सराहा भी है। आप देख रहे हैं घमासान.com। और भी न्यूज़ अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।